उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना भद्दा मजाक करने की, मजाक करने की भी एक हद होती है। इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। ये बुके देने मैम। किसको? श्रुति मैडम के लिए। किसने भेजा? संजय सर ने। डियर मिसिस मेहता, अपने पति की लकी शर्ट पे बटन लगाने के लिए थैंक्स, और आज ब्रेकफास्ट टेबल पे सबका दिल जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे भी ऐसे ही जीतते रहना, उसके लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम योर लविंग मिस्टर मेहता। सुबह की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, इससे भी बड़ी कामयाबी चाहिए। मैं संजय की बेस्ट विशेष श्रुति तक नहीं पहुंचने दूंगी। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया? नहीं अभी तक नहीं। कम ऑन अमी, क्या हो रहा है? इसके बाद मैं क्वेश्चन 4 पढ़ती हूँ, ठीक है? ये क्या था? हाय हाय माय एंजल, हाउ आर यू? हाय अमी, ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, काम खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। तुमको तो वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, तो यहीं रुक जाऊं? चाय मिलेगी? गरम गरम चाय अभी लाती। थैंक यू मम्मी, मुझे मैथ्स में आपकी हेल्प चाहिए। अरे तो मम्मी क्यों, मैं हूं ना, मैं पढ़ा दूंगा मैथ्स में। मम्मी को चाय बनाने दो मेरे लिए। नो थैंक्स, मैं खुद कर लूंगी। दीदी मैं भी आ रही हूँ। सॉरी वो। अरे नहीं सुनी, लोग अपनों से ही नाराज होते हैं ना, विच मीन्स की अमी ने मुझे अपना लिया, और अपनों से कब तक नाराज रहेगी वो। इट्स ओके, अब चाय मिलेगी मुझे? अभी लेकर आता हूं। क्यों? अरे सुनो, तुम्हें वो मिला जो मैंने भेजा था? हाँ हाँ मिला ना। कुछ कहोगी नहीं उसके बारे में? कहना क्या है, मुझे मिला तो मैंने ड्रॉर में रख दिया। ड्रॉर में रख दिया? हाँ, मुझे बटन मिला था ना सुबह, वो मैंने ड्रॉर में रख दिया। बटन नहीं वो, अरे वो सरप्राइज था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कुछ नहीं, मैं पता लगा था, तुम चाय बनाओ मेरे लिए। ठीक है। अरे संजय बेटा। अरे माँ। तू आ गया? अरे हाँ माँ, वो ऑफिस में काम थोड़ा। माँ आज घर पे कोई बुके आया था। बुके? हाँ रोजेस का। अरे हाँ मैंने बुके तो देखा था, पर मैंने कहाँ देखा था? हाँ वो अमी लेकर जा रही थी, और ना उसने जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। वो बुके तुमने भेजा था तो फिर उसने डस्टबिन में क्यों फेंका? अमी ने डस्टबिन? झूठ क्यों बोल रही है पांटी? मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ कोई बुके आया था, तो अब झूठ क्यों बोल रही हो? देखा देखा, ये लड़की अभी भी झूठ बोल रही है। बस कीजिए आंटी, फूल आपने फेंके होंगे, मैंने नहीं फेंके। बस बहुत हो गया लड़की। अमी ये सब क्या हो रहा है?
मैम, अमी, प्लीज। अरे क्या प्लीज, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही और तू मुझे प्लीज कर रहा है? मेरा इल्जाम तो शायद सही होगा आंटी, पर आपने तो सरासर झूठा इल्जाम लगाया मुझसे। आप एक नंबर की झूठी है झूठी। इस घर की शकुनी मामा है आप। अमी बस करो अमी, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? जब बड़े ही ऐसे हो तो कोई क्या करे मम्मी। अमी श्रुति, माँ से माफी मांगो अमी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ से माफी मांगो अभी। नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। ये सॉरी नहीं बोलेगी, क्योंकि किसी ने इसको सिखाया नहीं कि बड़ों के साथ तमीज से बात कैसे करते हैं और गलती होने के बाद उन्हें सॉरी कैसे कहा जाता है। इसमें इसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। अब हर बात पे मेरी मम्मी को बीच में क्यों लेकर आती हो? मम्मी चुप करो प्लीज। देखा देखा संजय, ये लड़की कैसे बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। जब से इस घर में आई ना कोई बहाना ढूंढती है मुझसे उलझने का। जो इसके मुंह में आता है ना मुझे बोल देती है। संजय, ये मैं सब तेरी वजह से सह रही हूं। अगर कोई दूसरा होता ना तो। माँ प्लीज, आप शांत हो जाएंगी? अरे कोई शांत होने दे तब ना। माँ मैं बात करता हूं। अमी ये गलत हो रहा है ना? देखा, जब आपकी मम्मी को कोई कुछ कहता है तो आपको बुरा लगता है, तो क्या मुझे मेरी मम्मी को लेकर बुरा नहीं लग रहा होगा? और ये तो झूठी है कि मैंने बुके फेंका। मैं समझता हूँ अमी, माँ को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अमी भला ऐसा क्यों करेगी माँ? अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे? तो इसी से पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या बात है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? डैड एक मिनट, अमी तुम प्लीज रिलैक्स करो और माँ भूल जाइए फूलों के बारे में, क्या हुआ किसने फेंका, भूल जाइए सब। अरे क्यों भूल जाऊं, आज अम्मी की गलती है तो बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की है, इतना कुछ सुनाया तुम्हारी माँ को, तुम्हें बुरा नहीं लगा? माँ वो बच्ची है। लेकिन मैं तो बड़ी हूं ना, चल मैं एक बार मान भी लेती हूँ कि इसने क्या कहा इसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो समझ में आया ना कि इसने मुझे क्या कहा। तुझे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मामी माँ से सॉरी बोलो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ से सॉरी बोलो अभी इसी वक्त। अब पता चलेगा मुझसे उलझने का नतीजा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ से माफी मांगो। मैं नहीं बोलूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं कि माफी मांगो। मैंने कहा ये माफी नहीं मांगेगी। बड़ों से बदतमीजी करना इसका गुण है और बड़ों का अपमान करना इसके संस्कार। अगर मैं बदतमीज हूं तो आप एक नंबर की झूठी हो झूठी।
हो गया। अब जब तक ये लड़की मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। मैं प्रभा को जाकर समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं नहीं संजय, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। I'm sorry। अम्मी ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है श्रुति, मुझे यकीन है कि अम्मी ने वो फूल नहीं फेंके होंगे। मां को जरूर कोई गलत फहमी होगी। जो भी हो संजय, अमी को बड़ों से बात करने का लिहाज तो होना चाहिए ना। उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से उंगली मुझ पर उठेगी, है ना? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। नहीं, इस वक्त सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, सब उलझे हुए हैं। इस वक्त हमें यह सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो श्रुति, श्रुति रोना बंद कर दो। सबसे पहले प्लीज। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मैं जी जान से कोशिश कर रही हूं संजय कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एक मुसीबत आकर सब कुछ बिगाड़ देती है। आज सुबह कितनी अच्छी गुजरी ना। मुझे लगा था कि मैंने कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है, लेकिन अब लग रहा है मैं जहां खड़ी थी मैं वापस वहीं पर आ गई हूं। मामी मुझसे नाराज है, मार उठी हुई है। मैं किसे मनाऊं, क्या करूं मैं? बताओ मुझे, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। श्रुति, मेरी बात मानोगी? सबसे पहले रोना बंद कर दो। रोने से कोई फायदा नहीं। स्टॉप क्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बात याद रखो, अगर दिन की शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा। आई एम कॉन्फिडेंट। तुम जाके अमी को संभालो, मैं मां से बात करता हूं। We should do that. Please. ठीक है। कर। दीदी, अब जो हो गया वो हो गया, अब जाने दो ना। गलती है आंटी की, पर थोड़ी तुम्हारी भी है। खुशबू, मुझे तेरे जजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वो सही है या गलत इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लड़ी क्योंकि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं थी। अब तू जा, मुझे अकेले रहना है। दीदी पर, खुशबू मैंने कहा ना, तू जा।
खुशबू, मैंने कहा कि मुझे अकेले रहना है। सुना मैंने, तो रह तू अकेले। मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है। मत कर बात, खुशबू और मैं यहाँ बैठ तो सकते हैं, है ना? खुशबू, जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना, तब मैं हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। सब लोग यही कहते थे कि देखो कुमकुम की बेटी फर्स्ट आई है, कुमकुम की बेटी कितनी टैलेंटेड है, कुमकुम की बेटी ने कितना अच्छा काम कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता था खुशबू कि जब मैंने अच्छा काम किया है तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुमकुम की बेटी ने अच्छा काम कर दिया। ऐसा क्यों नहीं कहते कि श्रुति ने अच्छा काम किया है। बाद में जाकर मेरी समझ में आया कि माता पिता की इज्जत, उनका सम्मान बच्चों से जुड़ी होती है। बच्चों की करनी से माता पिता के संस्कारों को तोला जाता है। अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो माँ बाप की तारीफ होती है, और अगर कुछ बुरा काम करता है तो लोग माता पिता को दोष देते हैं। अगर तुम कुछ बुरा बोलोगी, बुरा कहोगी, तो लोग यही कहेंगे ना कि मैंने अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश नहीं दी है। और मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छी सीख नहीं दे पाई। मैं दुनिया की सबसे खराब मां हूं कि मैंने अपनी बच्चियों को अच्छी सीख नहीं दी है। ऐसा लगेगा मुझे, लगेगा ना? ऐसा क्यों लगेगा? और आपको कोई ऐसा क्यों कहेगा? आप दुनिया की बेस्ट पापा हो, आपको कोई ऐसा कभी नहीं कह सकता। You are the best mama in the world. मम्मी, तुम्हारे कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो मम्मी किसके कहने से होगा? किसी के कहने से नहीं होगा, पर तुम्हारी करनी से होगा। तो आप बताओ मैं क्या करूं? प्लीज हमें माँ को सॉरी बोल दो। नहीं, प्लीज मम्मा, अगर मैं उन्हें सॉरी कहूंगी तो क्या वो मान लेंगी कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो? वो माने या ना माने, पर अगर तुमने उन्हें सॉरी बोला ना, तो मुझे लगेगा कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हूं। तुम भी क्या बच्ची के सामने बच्ची बन रही हो? बड़ा दिल रख के माफ कर देना, हम बड़ों का फर्ज है। पर ऐसा हर बार तो नहीं चलेगा। त्रिशा को देख लीजिए, वो भी तो अमी के एज की है, लेकिन उससे कभी मम्मी जी से ऐसी बात नहीं की है। वही तो संस्कार दिखते हैं ना बेटा। त्रिशा की परवरिश अच्छे घर में, अच्छे लोगों के बीच अच्छे ढंग से हुई है। इस लड़की की तरह नहीं। नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। मम्मी की परवरिश भी ठीक हुई है, संस्कार है उसमें भी, बस थोड़ी सी गर्म दिमाग की है। दिल बहुत अच्छा है उसका। दिल बहुत अच्छा है। दूसरों की बेइज्जती करो और फिर उनसे माफी मत मांगो। मुझे माफ कर दीजिए आंटी।